क्योंकि ये चीज उसमें भी काम आएगी। ठीक है, अब यहां से मैंने हल्का सा क्या किया है, इसको सिमेट्री से थोड़ा सा मूव करा। ठीक है, जो स्टार्टिंग में तुमने बना रखा था, ठीक है, वही चीज मैं बता रहा हूँ। यहाँ से टेपर कर लिया था थोड़ा सा, ठीक है, इसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ से हमने इसको बैंड कर, बैंड आर कुछ भी कर सकते हैं, बैंड कर्व कर लेता हूँ मैं, शिफ्ट के साथ हल्का सा नीचे मूव कर लिया। ठीक है, ये चीज हमने जैसे स्टार्टिंग में की थी, जो हम बना रहे हैं उसको इस तरीके से बना के रख लेना है। इसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लेना है, इंसर्ट करना है, सिलेंडर कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, जैसे मैं स्फेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्फेयर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से इसको मूव किया, स्केल थोड़ा सा डाउन किया इस तरीके से, इसके बाद यहाँ से इसको टेपर कर दिया हल्का सा नीचे से, इसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, हल्का स्केल बढ़ाया, थोड़ा सा नीचे से मूव किया, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। इसको थोड़ा ऊपर कर लिया, इतना ऊपर करना है कि जिससे ये इसके साथ मैच हो जाए। ठीक है, बस इतना। इसके बाद बैंड कर्व, बैंड आर्क कुछ भी कर सकते हो, तो बैंड मैं कर्व कर रहा हूँ, आर्क अभी नहीं करना है। इसको आगे मूव किया थोड़ा सा पीछे की साइड, यहाँ से हल्का सा, ठीक है, और ये इतना। ठीक है, एक पॉइंट फिर मैंने ऐड किया, देखो आराम से कर रहा हूँ मैं, कोई जल्दबाजी नहीं। ठीक है, ये इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, थोड़ा सा जहां से लगता है कि यहां से थोड़ा सा मूव करना है, वहां से मूव कर लिया। ये देखो बिल्कुल सही आ गया, इस तरीके से ये बन जाना चाहिए। ठीक है, इतना बन गया है, अब यहां से इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब देखो जैसे मेरे को लग रहा है यहां से थोड़ा सा स्केल बढ़ाना है, तो मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा स्केल, इसको थोड़ा सा पीछे मूव कर लिया, थोड़ा नीचे से हल्का सा पीछे, ये बिल्कुल इस तरीके से गोल आना चाहिए जैसे इसमें। ठीक है, ये चीज होगी। अब ये होने के बाद इसको एक्सेप्ट कर लिया, ये हो गया। इंसर्ट फिर से कर लेना है स्फीयर, देखो बहुत अच्छा डिजाइन आराम से बन जाएगा, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये देखो, ठीक है, इसको पूरा इस तरीके से रखना है कि ये पूरा का पूरा इसके साथ सही से मर्ज होना चाहिए। ठीक है, सही से मर्ज होना चाहिए इस तरीके से, जैसे ये है। ठीक है, इस तरीके से मर्ज हो जाना चाहिए। अब अगर लगता है कि यहाँ से थोड़ा सा और बैंड कर्व करना है, तो बैंड कर्व फिर से कर लेंगे, यहाँ से थोड़ा सा नीचे, ठीक है, इस तरीके से, ये इसको हो गया। फिर से इसको एक्सेप्ट कर लिया, यहाँ से स्केल थोड़ा सा ऊपर करके हल्का सा कम किया। ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा अगर बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो, बस इतना। ठीक है, ये हो गया। ये होने के बाद इसको मर्ज कर देना है, यहाँ से मैं ज्योमेट्री में जाके इसको सॉरी पहले मर्ज कर लेंगे। देखो ये सारा मैं मर्ज कर लेता हूँ, मर्ज मर्ज डाउन ऑलवेज, ये मर्ज हो गया। ठीक है, इसके बाद मैं ज्योमेट्री में गया, डिवीजन ऐड की, तीन मैंने डिवीजन कर ली। उसके बाद मैंने यहाँ से डायनामाइज किया, डायनामाइज में 0 किया और डायनामाइज 128 पे कर दिया। तो ये देखो बहुत ही जल्दी बन के ये रेडी हो गया। अब सिमेट्रिकल हमने क्या कर लेना है, ये बन गया। यहाँ से अब सिमेट्री ऑन कर लेनी है, सिमेट्री ऑन करनी है कि किस जगह ऑन करनी है, इस साइड आनी चाहिए और इस साइड आनी चाहिए। तो ट्रांसफॉर्म में गए, सिमेट्री एक्टिवेट की, अब देखो ये पीछे आ रही है, पीछे नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए, जेड में इस साइड। ठीक है, तो ये देखो इसको हल्का हल्का बस इधर से ये करना है इतना। अब ये थोड़ा सा लगता है कि हमें थोड़ा कम करना है, 48 पे कर दिया मैंने, ठीक है, 48 पे। अब स्केल थोड़ा सा लगता है कि मेरे को थोड़ा डाउन करना है, तो स्केल थोड़ा सा कम भी कर देंगे। ठीक है, ये हो गया, ये फिर इस तरीके से होता चला जाएगा। ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये इस तरीके से, ये हल्का सा मूव करना है पीछे से, थोड़ा सा मूव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी मूव कर दिया, यहाँ से अगर मूव करना है तो यहाँ से भी मूव कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा। एंड ये बन के रेडी। ठीक है, ये लो।
ये हो गया। अब इंसर्ट करना है एक सिलेंडर कर लो और इसको रोटेट कर लो, स्केल डाउन कर लो। ठीक है, सबसे पहले इसको यहाँ से इतना बढ़ाना है जिससे ये इतना दिखे, बस इतना। ठीक है, इससे जरूरत है पर्सपेक्टिव ऑफ करके कर लो, ठीक है, और सही से पता चल जाएगा। तो पर्सपेक्टिव ऑफ किया, यहाँ से स्केल बढ़ाया, पीछे थोड़ा सा मूव किया और स्केल बढ़ाया। ठीक है, इतना रखना है, स्केल भी ज़्यादा नहीं, एकदम से बढ़ा दिया। इसको हल्का सा इस तरीके से मूव किया, यहाँ से टेपर में गए, टेपर पता है, यहाँ से टेपर किया, हल्का सा इस तरीके से बढ़ा लो। अब ये बढ़ तो गया है, पर ये क्या हुआ है कि थोड़ा सा ना सही से नहीं बढ़ा है, तो हम इसको भी फिलहाल एक्सेप्ट कर लेते हैं और साइड से थोड़ा कम कर लेते हैं। और यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, टेपर करेंगे, पर डिफॉर्म में जाके करेंगे। डिफॉर्म में जाके क्या होगा, यहाँ से हमने किया और इसको मेरे को बस इस हाइट में बढ़ाना है, तो मैं इसी हाइट में हल्का सा बढ़ा दूंगा। ठीक है, ये बढ़ गया। और इस हाइट से मेरे को क्या करना है, यहाँ से सेलेक्ट किया, इस साइड से मेरे को घटाना है। ये देखो, ये घट गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ से मैंने एक्सेप्ट कर लिया और स्केल थोड़ा सा फिर से मूव कर दिया, थोड़ा पीछे किया। ठीक है, और हल्का सा यहाँ से थोड़ा कम कर लिया इस तरीके से, ये हो गया। अब यहाँ से थोड़ा सा इसको ऊपर मूव किया, ठीक है, ये हो गया। फिर से थोड़ा सा हल्का सा रोटेट कर लेंगे ऊपर की साइड, स्केल थोड़ा सा कम किया, ये लगभग लगभग इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। यहाँ से होने के बाद इसको स्केल फिर से बढ़ा दिया विथ में, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये बन गया। अब यहाँ से हमने फिर से एक्सेप्ट कर लिया और इसके बाद हमने बैंड आर्क किया है। ठीक है, अब ये बैंड कर्व में हमने एक पॉइंट ऐड किया, सबसे पहले तो बीच वाला, यहाँ से इसको नीचे की साइड मूव कर देंगे, ये ऊपर की साइड कर देंगे, ये ऊपर से ऊपर, ठीक है, इस तरीके से। ये देखो, ये बिल्कुल सही से यहाँ पे बन गया, इतना हो गया। अब यहाँ से हमने इंसर्ट किया फिर से, एक सिलेंडर कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, तो मैं यहाँ से ये भी यूज कर सकता हूँ। अगर ये नहीं करना तो यहाँ पे सिलेंडर कर लो, कुछ भी यूज कर लो। ठीक है, यहाँ से सिलेंडर लिया, यहाँ से हमने बैंड टेपर कर लेना है, इसमें टेपर ही होगा। ठीक है, इसको टेपर नीचे से कर लो चाहे ऊपर से कर लो, एक्सेप्ट कर लिया और यहाँ से इसको रोटेट कर लिया 90 डिग्री। ये ठीक है, ये रोटेट कर लिया, इसको स्केल थोड़ा सा कम करा, ये इस साइड लगा दिया। यहाँ पे ये थोड़ा सा अगर कम करना है तो कम कर सकते हैं। ठीक है, हल्का सा यहाँ से बेंड कर्व शिफ्ट के साथ, ये लो, एक्सेप्ट कर लिया इसको, ये बन गया। इंसर्ट किया फिर से, एक आई इंसर्ट कर दी, यहाँ से बाहर स्केल डाउन, ये लो। ठीक ये देख रहे हो बन गया ये। हेलो, हाँ सर। हाँ बन गया ना, सिर्फ इतनी देर का हाँ काम रहेगा। ठीक है, इसको इतनी जल्दी बना लेना है, थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब ये है कि अभी प्रैक्टिस जितना करोगे तो प्रैक्टिस से क्या है, ये चीज सही हो जाएगी। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करो, ये चीज प्रैक्टिस से ही सही होगी। तो यूज करने का तरीका वही है, बस प्रैक्टिस जितनी रहेगी उतना जल्दी काम कर पाओगे। अब यहाँ से मैंने इंसर्ट किया एक प्लेन 3D, इसके बाद इसको ऊपर मूव किया यहाँ से इस तरीके से। अब यहाँ से हम एक यूज करेंगे ऊपर बनाने के लिए कर्व ट्यूब, कर्व ट्यूब से यहाँ से मैंने इसको छोटा किया थोड़ा सा इस तरीके से। ठीक है, तो ये काम आएगी इस तरीके से बनाने के लिए। यहाँ पे मैं इसको
यूज कर रहा हूँ, ठीक है, ये इस तरीके से बना सकते हो। तो यहाँ से एक ही वो है, ये लगभग लगभग इस तरीके से, थोड़ा सा और छोटा किया, ठीक है, इस तरीके से ये, ठीक है। यहाँ पे कर्व मोड में जाओगे, स्ट्रोक में जाके, तो कर्व मोड आ जाता है। बैंड है, ये बैंड कर लेना है, और लिक्विड की तरह काम करेगा फिर ये, जिसमें यहाँ पे आराम से चीजें ना मैनेज हो जाती है। है थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है बनाते वक्त, ये ठीक है, ये अब ये बिल्कुल सही बन गया है, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ से इसको डिलीट कर देना है, डिलीट कर फंक्शन को, डिलीट और स्प्लिट मास्क पॉइंट या अनमास्क पॉइंट कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब इसको डुप्लीकेट कर लिया, यहाँ से ये एक साइड इस साइड आ जाएगा, ये लो, ठीक है, और ये थोड़ा सा नीचे रहेगा डुप्लीकेट, ये रोटेट कर दिया 180 डिग्री, ठीक है। तो ये इस तरीके से बन के रेडी हो जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा पीछे इसी तरीके से ये, इसको यहाँ से हल्का सा थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस तरीके से बना के इसको यूज कर सकते हो, इसी को डुप्लीकेट कर लेना है, फिर स्केल यहाँ से बदल जाएगा थोड़ा सा। यहाँ से हमने इसको अंडू किया, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं रोटेट कर दूंगा, और स्केल थोड़ा सा छोटा कर दिया, और ये इस जगह पे, ठीक है। तो ये इस तरीके से बनके रेडी हो गया हमारा, बस इसको बाद में हाफ कर लेना है, और ये रेडी हो गया। तो इस तरीके से रेडी होके इसको बना लेना है, ठीक है, और इसको मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ FBX में, ठीक है, इसको एक्सपोर्ट ऑप्शन, ठीक है, ये हो गया, ये मैं अभी भेज देता हूँ, और इसको ट्राई करना इसी तरीके से बनाने का, और थोड़ा जल्दी बनाने का ट्राई करना, ठीक है, जिससे थोड़ी स्पीड अच्छी हो हेलो जाएगी, ठीक सर। है।